यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के आगे का पार्ट। तो इसमें आपको दिया हुआ है दो तरह के फलन, अस्पष्ट फलन और लघुगणकीय फलन। तो इन फलनों का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है यह अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो अस्पष्ट फलन है वह क्या होता है। अस्पष्ट फलन, ओके। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसे फलन या समीकरण जिनमें x तथा y के पदों को अलग अलग नहीं किया जा सके उसे अपन अस्पष्ट फलन अथवा समीकरण कहते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से मैं x और y के पदों को अलग अलग कर सकता हूँ, इसलिए यह एक स्पष्ट फलन का उदाहरण है, ओके। क्योंकि आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x अपॉन 3। तो यहाँ पे x और y के पद अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए यह स्पष्ट फलन है। लेकिन यदि मैं लिखूँ x प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे अपन x और y के पदों को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो यह कोण है इस कोण में x और y के पद x और y दोनों ही दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप इस कोण में x और y को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यह आपका एक अस्पष्ट फलन का एग्जाम्पल है, ओके। तो समझ में आ गया होगा आपके स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन क्या होता है। तो ऐसा फलन जिसमें x और y के पदों को अलग अलग किया जा सके वह तो होगा आपका स्पष्ट फलन, और यदि x और y के पदों को अलग अलग नहीं किया जा सके तो उसे अपन कहेंगे अस्पष्ट फलन, ओके। तो अब अपन इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। तो एग्जांपल 9 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, ओके। तो यहाँ पे अब आप देखें कि इसमें अपन एक्स और वाई के पदों को अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए यह है एक अस्पष्ट फलन है। तो इसमें हमें dy बटा dx ज्ञात करना है, तो इसलिए जहाँ पर भी y होगा वहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने से हमेशा dy बटा dx बनता है। तो इस प्रकार के फलनों में जब आप अवकलन करेंगे तो dy बटा dx के पद वे दो या दो से अधिक स्थानों पे होंगे, तो इस कंडीशन में आपको उन सभी पदों को एक साथ लिखना है जिनमें dy बटा dx आ रहा है, और जिनमें dy बटा dx नहीं है उन्हें अपन RHS में शिफ्ट कर देंगे, ओके। तो इस प्रकार से वहाँ से आप dy बटा dx का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको अपन सरल करते हैं x के सापेक्ष अवकलन से, तो x क्यूब का अवकलन करना है तो आपको आता है यह होता है 3x स्क्वायर, ओके, प्लस x स्क्वायर इंटू वाई। तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये दो अलग अलग पद माने जाएंगे, ओके। x स्क्वायर है वह एक अलग पद है और इसके गुणा में जो y है वह एक अलग पद है, तो दो पद गुणा में दिए हुए हैं इसलिए गुणा का नियम लगेगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन, ओके। यह आपका इस सेकंड पद का अवकलन हो गया, प्लस इसी प्रकार से आप देखें यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है x इंटू वाई स्क्वायर, तो ये भी दो पद हैं तो यहाँ भी आपको गुणा का नियम लगाना होगा। तो आप यहाँ पर भी गुणा का नियम लगाएं, पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन, ओके। यहाँ पर आपने यह फॉर्मूला लगाया, प्लस वाई क्यूब का अवकलन लिखना है आपको, तो यह होगा आपका
डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 81, और चाहें तो आप इसे भी फिर इसी प्रकार लिख दें डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि एक्स क्यूब का जो अवकलन है वह होता है आपका 3x² प्लस एक्स स्क्वायर, अब है ऐसा का ऐसा रहेगा, और वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा dy बटा dx प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। ओके, प्लस एक्स है वह ऐसा का ऐसा रहेगा, अब आपको y स्क्वायर का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो यहाँ पे अब जो y है वह अचर पद नहीं है, x y z है वे संख्याएं, इन्हें आप चर राशियाँ ही मानते हैं, तो y स्क्वायर का अवकलन लिखें पहले, तो y स्क्वायर का अवकलन होगा 2y, और फिर y का अवकलन करेंगे तो यह होगा dy बटा dx। ओके, तो पहले यहाँ पे घात का नियम लगा और फिर y का अवकलन हुआ, प्लस वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और x का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1, प्लस y क्यूब का अवकलन करेंगे तो y क्यूब का अवकलन होगा आपका 3y², और फिर y का अवकलन करेंगे dy बटा dx इज इक्वल टू जो 81 है वह एक अचर पद है इसलिए इसका अवकलन होगा 0। ओके, अब आप इसे सरल कर लीजिए तो यह हो जाएगा आपका 3x² प्लस x² इंटू dy बाई dx प्लस 2xy प्लस 2xy dy बाई dx प्लस y² प्लस 3y² dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप यहाँ से dy बटा dx के पद है उन्हें एक साथ लिखें, तो x² इंटू dy बाई dx प्लस 2xy इंटू dy बाई dx प्लस 3y² इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, अब जिन पदों में dy बटा dx नहीं है उन्हें अपन RHS में शिफ्ट कर रहे हैं, तो यह पद और यह पद, ये तीन पद जो हैं इन्हें आप RHS में लेके जाएंगे तो यह बनेंगे -3x² -2xy और माइनस का y². ओके, और यदि आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों पद प्लस के हो जाएंगे, तीनों ही पद होंगे, तो अब साथ ही साथ यहाँ से dy बटा dx कॉमन ले लीजिए क्योंकि हमें dy बटा dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ यह बनेगा x² प्लस 2xy प्लस 3y² इज इक्वल टू -3x² प्लस 2xy प्लस y². ओके, तो अतः dy बटा dx की जो वैल्यू मिली यहाँ से आपको वह होगी -3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y². ओके, यह इस क्वेश्चन के लिए dy बाई dx की वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें अब आप यहाँ पर, तो इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें उसमें दिया हुआ है sin² y प्लस cos x इंटू वाई, इसके कोण में है ये दोनों वैल्यू इज इक्वल टू पाई। ओके, तो यहाँ पर भी आप देखें कि ये जो x और y है यह कोण में दिया हुआ है, तो यह एक अस्पष्ट फलन है, इसका भी आपको ऐसे ही अवकलन करना होगा x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा डी बटा डी एक्स sin² y प्लस डी बटा डी एक्स cos x y इज इक्वल टू डी बटा डी एक्स पाई। ओके, अब आप इसका अवकलन करें, तो यहाँ पर जब आप अवकलन करेंगे तो अवकलन का जो क्रम है वह होगा पहले घात का अवकलन होगा, फिर साइन का अवकलन होगा, और फिर वाई का अवकलन होगा, तो तीन बार इसका अवकलन करना होगा हमें, तो आप अवकलन कीजिए इसका, तो घात का अवकलन होगा 2sin y। ओके, जो घात थी वह आगे आ गई और इस पे एक घात कम हो गई, तो यह बन गया आपका 2sin y इंटू, अब आपको साइन वाई का अवकलन करना है, तो साइन का अवकलन होता है कोस, तो इसलिए यह बन जाएगा cos y, और गुणा का चिन्ह लगाएं, y का अवकलन करना है तो यह होगा आपका
डी वाई बाई डी एक्स, ओके प्लस, अब आपको यहाँ पे कोस एक्स वाई का अवकलन करना है, तो कोस का जो अवकलन होता है वह होता है माइनस साइन एक्स वाई है वह एज इट इज रहेगा। अब आप इस कोष्टक के अंदर आए तो कोष्टक के अंदर एक्स और वाई जो पद है वे गुणा में हैं, इसलिए यहाँ पे आपको वापस से गुणा का नियम लगाना होगा। तो आप लिखें एक्स गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली का अवकलन, यह आपने गुणा का नियम लगाया, इज इक्वल टू पाई का अवकलन हो जाएगा जीरो। ओके अब आप इसको सही रूप से लिखें तो यह बन गया आपका टू साइन वाई कोस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, प्लस और माइनस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ओके इस प्रकार से लिख देते हैं इसे, तो यह हो गया आपका माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके क्योंकि एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक होगा तो इसलिए यहाँ पर वाई शेष बचेगा। अब आप इसे थोड़ा और सरल करें, इस वैल्यू को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए डीवाई बटा डी एक्स की, और डीवाई बटा डी एक्स इस क्वेश्चन में दो जगह आ रहा है, तो डीवाई बटा डी एक्स के पदों को हमें एल एच एस में रखना है और शेष पदों को आर एच एस में, तो इसलिए यह बन गया आपका टू साइन वाई कोस वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स। इसे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा आपका माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप यहाँ पर देखें कि यह जो पद है इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसलिए इसे आप आर एच एस में लिख सकते हैं, तो यह बन जाएगा आपका, और इसकी जगह आप चाहें तो साइन टू वाई लिख सकते हैं इसे, क्योंकि यह साइन टू ए का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स वाई। ओके अब आप यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन लें, तो डी वाई बाई डी एक्स को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका साइन टू वाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। ओके और राइट साइड में जो वैल्यू है वह एज इट इज़ रहेगी। अब आप यहाँ से इस वैल्यू को उस साइड में शिफ्ट करें तो आप लिख सकते हैं कि अतः डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह होगी वाई इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ओके यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद अब आप नेक्स्ट देखें तो इसका जो थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है वह है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन। ओके तो अब आप इसे सरल कीजिए, तो आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करें इसका, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए एक्स के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बनेगा आपका डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स वन। ओके जितने भी पद हैं उनके साथ आप डी बटा डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे अवकलन होगा तीन बार, पहले घात का, फिर साइन का और फिर एक्स का, तो इसका अवकलन करें टू साइन एक्स, यह आपका घात का अवकलन हुआ, गुणा का चिन्ह लगाएं। अब आप साइन एक्स का अवकलन करें कोस एक्स इंटू, अब आपको एक्स का अवकलन करना है तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा वन। ओके तो फर्स्ट टाइम में आपने घात का अवकलन किया, फिर साइन का और फिर एक्स का, प्लस यहाँ पर भी तीन बार अवकलन होगा, पहले घात का, फिर कोस का और फिर वाई का, तो घात का जो अवकलन है वह होगा आपका टू कोस वाई। ओके इंटू, अब आपको कोस वाई का अवकलन करना है तो यह होगा आपका माइनस साइन वाई। नेक्स्ट वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष,
तो यह आएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब आप इसे और सरल कर दीजिए फर्दर, तो यह हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो यहाँ से ये जो नेगेटिव पद है इसे आप RHS में शिफ्ट कर दीजिए, तो यह हो गया आपका 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल होगा और लिख सकते हैं अब आप यहाँ पर कि अतः डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह होगी साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन साइन वाई इंटू कोस वाई। ओके, तो यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसे आप अच्छे से देख लें एक बार और इन्हें नोट करें। अब इसका अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो पार्ट 4 में आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पर भी हमें dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो सिंपली आपको x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। x के सापेक्ष अवकलन से तो यह बन जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स 2x प्लस d अपॉन डी एक्स 3y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ओके, अब आप यहां से देखें कि ये जो 2 और 3 है वे अचर पद हैं, इसलिए इन्हें आप बाहर लिख सकते हैं। तो यह होगा 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 3 बाहर डी अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए, तो एक्स का एक्स के साथ एक्स अवकलन होगा 1, तो इसलिए 2 इंटू 1 से यहाँ पर 2 रिमेनिंग रहेगा प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन होगा आपका यहाँ पर कोस एक्स। ओके, तो अतः अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस 2 होगा, और या फिर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह होगी कोस एक्स माइनस 2 अपॉन 3। यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट अब आप देखें एग्जांपल नंबर 10। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ओके, तो अब यहाँ पर भी हम x और y के पदों को अलग अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इसका अवकलन करें x के सापेक्ष अवकलन से। तो यहाँ दो पद हैं और यहाँ पर भी ये दो ही पद माने जाएंगे। इसको आपको x और y दोनों को ही इसे कोण नहीं मानना है। यदि आपको यहाँ कोष्टक दिया हुआ हो तो ही आप इन दोनों को इसका कोण माने। अभी ये दो जो फलन है ये दोनों अलग अलग फलन माने जाएंगे। 10x अलग है और y एक अलग फलन है, तो यह हो जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 10x प्लस वाई। ओके, या फिर इसे भी अपन अलग अलग लिख देते हैं, d अपॉन डी एक्स 10x प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई। अब आप इसका अवकलन करें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x और y दो पद गुणा में दिए हुए, तो गुणा का नियम लगाएं, x इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली का अवकलन। ओके, प्लस y स्क्वायर का अवकलन लिखना है आपको, तो y स्क्वायर का अवकलन है वह दो चरणों में होगा। पहले घात का अवकलन होगा और फिर y का, तो घात का अवकलन करेंगे तो यहाँ आएगा 2y और फिर y का अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो बनेगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x का अवकलन होगा sec स्क्वायर x प्लस y का होगा dy वाई बाई डी एक्स। ओके, अब आप इसे सोल्व करें और इसको, तो यह होगा x dy वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 प्लस 2y dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स। तो अब आप देखें यहाँ पर dy बटा डी एक्स के कुल तीन पद हैं, तो इनको हमें एक साइड में रखना है और अन्य पदों को
अदर साइड में रखें, तो यह हो जाएगा आपका x dy वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यह जो पद है इसे आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो यह होगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ से यह जो y है यह आर एच एस में शिफ्ट होगा तो माइनस वाई बन जाएगा। तो अब इन यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लें, तो डी वाई बाई डी एक्स को जब कॉमन लेंगे तो यह बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ओके, अब आप लिख सकते हैं कि अतः डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह होगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। ओके, यह इस क्वेश्चन के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर देखें इसका सेकेंड पार्ट एग्जाम्पल नंबर 10 का, तो इसमें हमें दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस वाई। ओके, तो यहाँ पे भी आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो सिंपली आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना होगा। लिखें आप एक्स के सापेक्ष अवकलन से, तो डी बटा डी एक्स ए एक्स प्लस डी बटा डी एक्स बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बटा डी एक्स कोस वाई। ओके, तो अब आप इसको लिख सकते हैं ए इंटू डी बटा डी एक्स एक्स प्लस बी इंटू डी बटा डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बटा डी एक्स कोस एक्स सॉरी कोस वाई। यहाँ से ये जो ए और बी अचर पद थे इन्हें अपन ने बाहर ले लिया है, अब आप इसका अवकलन कर दीजिए तो यह होगा ए इंटू वन, क्योंकि एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है वन, प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर का अवकलन टू वाई, और फिर वाई का आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का अवकलन दो बार होगा, पहले कोस का होगा और फिर वाई का होगा, तो कोस का होता है माइनस साइन और वाई रहेगा यहाँ पर गुणा वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो इसे आप लिखें ए प्लस टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए और डी वाई बाई डी एक्स वह इन दो पदों में है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स के जो पद हैं उन्हें एक साथ करना होगा, तो इसे आप लिखें और इसे अपन आर एच एस में शिफ्ट कर देते हैं, तो टू बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, यहाँ से आप डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन लें तो यह बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू टू बी वाई प्लस साइन वाई। ओके, इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि अतः डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह होगी माइनस ए अपॉन टू बी वाई प्लस साइन वाई। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी अपन ने देखा कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं लघुगणकीय फलन जो होते हैं उनका अवकलन किस प्रकार से होगा, या फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस जिनमें हमें लॉग लेने की आवश्यकता होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, या फिर इससे भी पहले आप इसको समझें एक बार कि जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जब आप अवकलन करते हैं तो डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू आप लिखते हैं टू इंटू एक्स की पावर टू माइनस वन, बट यदि आपको दिया हुआ हो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, तो जब इसका अपन अवकलन करेंगे तो यह जो घात है यह आगे आएगी, तो यह बनेगा एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स माइनस वन। इस नियम के अनुसार यदि अपन बात करें तो, बट यह आपका रॉन्ग है, इसे आप इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो अब आप यहाँ पर ध्यान रखें कि
यदि आपको, यदि किसी चर राशि या फलन की घात में भी कोई अन्य चर राशि या कोई अन्य फलन दिया हुआ हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें लॉग लेने की आवश्यकता होती है। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सीधे ही सरल नहीं कर सकते। यदि यदि किसी चर राशि या किसी फलन की घात में कोई अचर संख्या हो, तो इसका अपन सीधे ही अवकलन कर सकते हैं। ओके, परंतु यदि घात में आपको चर राशि या फिर कोई फलन दिया हुआ है, तो फिर आप उसका सीधा अवकलन नहीं कर सकते। इस कंडीशन में आपको लॉग लेना ही होगा। ओके, तो अब आप देखें जो क्वेश्चन है हमारा वह, तो जो एग्जांपल नंबर 11 है उसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। ओके, तो इसका अवकलन करने के लिए हमें लॉग लेना होगा, क्योंकि यह जो घात है यह एक चर घात है। तो यह जो क्वेश्चन है यह आपका बन रहा है चर की घात चर, तो इसके लिए आप लिखें दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो यह बन जाएगा आपका लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स। ओके, अब आपको यहाँ पर लॉग ए टू द पावर बी का नियम आना चाहिए, तो यह होता है बी इंटू लॉग ए। ओके, तो यहाँ पर अब आप समझ रहे होंगे कि लॉग लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि लॉग लेने से यह जो चर राशि थी इस यह आगे गुणा में चली जाएगी, और फिर अपन वहाँ पे गुणा का नियम लगा के उसे सरल कर सकते हैं। तो इसे आप लिखेंगे लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, कि यह जो घात है यह आगे गुणा में आएगी सूत्र के अनुसार, यह आपका फॉर्मूला होता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अब आप इसका अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि गुणा का नियम है हमारे पास। तो आप लिखें एक्स के सापेक्ष अवकलन से, तो लॉग वाई का दो बार अवकलन होगा, पहले लॉग का होगा और फिर वाई का। तो लॉग का जो अवकलन होता है उसमें लॉग के आगे जो संख्या दी हुई होती है वह बटा में लिखनी होती है, तो यह बन गया एक बटा वाई। ओके, अब आपको y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो यह होगा आपका dy by dx। ओके, और यहाँ पे आपको गुणा का नियम लगाना है पहले, तो आप लिखें x पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली का अवकलन। ओके, अब आप इसे और सरल कर लीजिए फर्दर, तो 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू x इंटू लॉग x का अवकलन होगा 1 अपॉन x प्लस लॉग x इंटू x का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1। इस x से यह x कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, यह मान हमारे पास आया। अब चूंकि हमें dy by dx की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए यह जो y का पद है इसे आप RHS में शिफ्ट करें, तो यह बटा में है तो RHS में जाएगा, तो यह मल्टीप्लाई में आएगा। तो आप यहाँ पर लिखें कि या dy by dx इज इक्वल टू होगा y इंटू 1 प्लस log x। अब y के स्थान पे y का मान रखेंगे, तो y की जो वैल्यू है वह है x की पावर x। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः dy by dx की जो वैल्यू है वह होगी x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ओके, इस प्रकार से आपको इन फलनों का अवकलन करना है। जब आपको किसी चर या फलन की घात में कोई अन्य चर या फलन दिया हुआ हो, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग लेना ही होगा। विदाउट लॉग यह क्वेश्चन वह सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब अपन इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वह है कि
y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स। तो यहाँ पर इस बार आप देखें कि साइन एक्स वह एक फलन होता है और फलन की घात में आपको एक चर राशि दी हुई है। तो यहाँ से इस कंडीशन के अनुसार अब हमें लॉग लेना होगा। तो आप लिखें लॉग लेने पर तो यह बनेगा आपका लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर एक्स। ओके, और लॉग की जो प्रॉपर्टी है यह है, इसके अनुसार वह जो एक्स है वह इस पद के आगे आएगा। तो इसे आप लिखें लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ओके, चाहें तो आप यहाँ फॉर्मूला लिखें वापस से कि लॉग ए टू द पावर बी इज इक्वल टू बी इंटू लॉग ए होता है, कि यह जो घात है यह आपकी इधर आगे आती है गुणा में, तो इसलिए यह बन जाता है बी इंटू लॉग ए। अब आप इसका अवकलन कर सकते हैं गुणा का नियम लगा के। तो आप लिखें एक्स के सापेक्ष अवकलन से डी बेटा डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी बेटा डी एक्स एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ओके, तो लॉग वाई का अवकलन होगा वन अपॉन वाई, और फिर वाई का अवकलन होगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप गुणा का नियम लगाएं, तो एक्स इंटू पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन। तो इसे अब अपन सरल करेंगे, तो यह होगा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू। अब आपको यहाँ पे अवकलन करना होगा तीन बार, पहले लॉग का अवकलन होगा, फिर साइन का होगा, और फिर एक्स का होगा। तो लॉग का अवकलन होता है कि लॉग के आगे जो संख्या है उसे आप बटा में लिखें। ओके, तो यह हो गया वन अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होगा कोस एक्स, और फिर एक्स का होगा वन। ओके, यह आपने अवकलन लिखा इसका, प्लस लॉग साइन एक्स इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा वन। तो यहाँ से वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यह आपको मिलेगा एक्स इंटू कोस बटा साइन को अपन लिख सकते हैं कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ओके, और चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए इसलिए वाई को आप उस साइड में शिफ्ट करें, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब आप y की जगह y की वैल्यू पुट करें तो यह हो जाएगा आपका, अतः dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x इंटू एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ओके, यह है इस क्वेश्चन के लिए इसका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। ओके, तो अब आप यहाँ पर इसे एक बार अच्छे से देखें कि हमें कब लॉग लेने की आवश्यकता होती है और कब लॉग लेने की आवश्यकता नहीं होती। ओके, तो एक बार इसे आप अच्छे से देखें। नेक्स्ट देखें आप इसका थर्ड पार्ट, तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर लॉग एक्स। ओके, तो यहाँ पर भी आप देखें कि ये चर राशि है और इसकी घात में एक फलन दिया हुआ है लघुगणकीय फलन, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें लॉग लेना होगा। तो आप लिखें दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो यह हो जाएगा आपका लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर लॉग एक्स। ओके, तो यहाँ पे अब आप लॉग की प्रॉपर्टी काम में लेंगे, लॉग ए टू दी पावर बी का नियम, तो यह होगा बी इंटू लॉग ए। तो यह आप नियम यहाँ पे काम में लें, तो यह बन जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू जो घात है वह है लॉग एक्स, इसलिए यह घात आगे आएगी, तो यह होगा लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, तो अब आप चाहें तो इसे लॉग एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यह बन गया आपका लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो इसे अब आप अवकलन करें, एक्स के सापेक्ष
अवकलन से। अब आप इसका अवकलन कर सकते हैं क्योंकि घात में अब आपके पास अचर संख्या है, तो घात में अचर संख्या होने पे x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। तो यह हो जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स लॉग x का स्क्वायर। तो अब आप इसका अवकलन करें, लॉग y का अवकलन होगा दो बार, तो 1 अपॉन y और फिर y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, घात का नियम लगाएंगे पहले, तो इसे आप लिखें 2 log x, यह आपका घात का अवकलन हुआ है गुणा, अब आपको log x का अवकलन करना है तो यह होगा 1 अपॉन x, अब आपको x का अवकलन करना है तो यह बनेगा 1। तो 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log x अपॉन x, ओके। और y को आप उधर शिफ्ट करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा y इंटू 2 log x अपॉन x, ओके। y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो यह बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x, ओके। यह इसका आंसर हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो इस x को आप ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 होगी, और फिर यह भी x की घात है तो इसे आप लिख सकते हैं dy by dx is equal to x की पावर log x -1 into 2 log x, ओके। यह इस क्वेश्चन के लिए dy by dx की वैल्यू होगी, तो इसको आप अच्छे से समझें एक बार वापस से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू है x की पावर साइन x, x टू द पावर साइन x। तो यहाँ पर भी हमें चर राशि की घात में एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है, तो इसका अवकलन करने के लिए भी आपको लॉग लेना होगा। लॉग लेने पर यह बनेगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर साइन x, तो इसे आप लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू साइन x इंटू log x, क्योंकि यह जो वैल्यू है यह आपकी आगे आएगी, तो साइन x इंटू log x। अब आप गुणा का नियम लगा सकते हैं, तो आप लिखें x के साथ x अवकलन से, तो d अपॉन डी एक्स log y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यह हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन, ओके। अब आप इसे सरल कर लीजिए, तो यह बन जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का अवकलन होगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन होगा कोस एक्स। तो यहाँ से अब आप इसे लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कोस एक्स। वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो यह बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कोस एक्स, ओके। यह इस क्वेश्चन के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने जो डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस, इन्हें आप एक बार अच्छे से और देखें, ओके। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।